कमलनाथ सरकार में लोक निर्माण मंत्री रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सज्जन सिंह वर्मा ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों का कर्जा कमलनाथ सरकार ने ही माफ किया है। आगे उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कृषि मंत्री कमल पटेल, तुम्हारे पिताजी ने विधानसभा में कबूल किया है, अब थूक कर चाट लो और किसानों की फसल नष्ट हुई है उसका मुआवजा दो, नहीं तो किसान तुम्हारा कपड़े फाड़ देंगे। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। इसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में थूक के चाट लेना। शिवराज ने थूक के चाटा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने थूक के चाटा, कृषि मंत्री कमल पटेल बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, थूक के चाटना पड़ा। 26.5 लाख किसानों का कर्जा कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार ने डंके की चोट पे माफ किया था। तुम्हारे पिताजी को भी विधानसभा में जवाब देना पड़ा कि हाँ, 26.5 लाख किसानों का कर्जा कमलनाथ की सरकार ने माफ किया है। झूठ बोल के किसानों के भविष्य को बर्बाद मत करो। फसल नष्ट हुई उसका पैसा दे दो, नहीं तो कपड़े फाड़ देंगे तुम्हारे किसान लोग। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।